कश्मीर को लेकर बौखलाए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की गिदड़ भड़की जारी है। इमरान खान ने एक बार फिर भारत को परमाणु बम की धमकी दी है। हालांकि इमरान खान ने माना है कि भारत के साथ पारंपरिक युद्ध में पाकिस्तान हार जाएगा, ऐसे में जंग की बात हुई तो परमाणु हमले तक जाएगी, पारंपरिक युद्ध में पाकिस्तान हार जाएगा, ये बात इमरान ने स्वीकार की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान को आतंकवाद को बढ़ावा देना बंद करना चाहिए, नहीं तो उसके टुकड़े टुकड़े होने से कोई नहीं रोक सकता। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा कि कश्मीर में आतंकी पाकिस्तान के खरीदे हुए लड़के हैं, वे जल्द अपनी आदत सुधार लें, नहीं तो जल्द मारे जाएंगे। बीजेपी नेता विनय कटियार ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि देश के अंदर एक संविधान, एक देश, एक कानून लागू होना चाहिए। साथ ही पीओके को लेकर कहा कि कई बार युद्ध हो चुका है, एक बार इमरान खान भी देख लें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह झारखंड के संथाल परगना में चुनावी बिगुल फूकने जामताड़ा से 18 सितंबर को मुख्यमंत्री रघुवर दास की जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत करेंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अर्थव्यवस्था में सुस्ती के दौर पर बयान देते हुए कहा कि यह बुरा समय चल रहा है, यह समय जल्द ही बीत जाएगा। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि नवंबर के बाद अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण शुरू हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई के संबंध में स्वामी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला राम मंदिर के पक्ष में आएगा। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। ममता ने कहा कि इस समय देश में सुपर इमरजेंसी लागू है। वहीं बीजेपी नेता सुरेंद्र सिंह ने कहा कि अगर ममता राष्ट्र विरोधियों का साथ देती रहेंगी तो उन्हें भी पी चिदंबरम की तरह सबक सिखाया जा सकता है। बरेली पहुंचे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर हमला बोला। अखिलेश ने कहा कि कर्ज की वजह से किसान आत्महत्या कर रहे हैं, सरकार ने वादा किया था किसान का कर्ज माफ करेंगे, सरकार ने ऐसा नहीं। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि रामपुर में आजम खान के साथ कितना अन्याय हो रहा है, उन्होंने अच्छा काम किया, यूनिवर्सिटी बनाई, लेकिन बीजेपी को अच्छे काम पसंद नहीं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी सहारनपुर पहुंची, जहां योग गुरु पद्मश्री भारत भूषण से मुलाकात की। पीएम मोदी 17 सितंबर को अपना 69वां जन्मदिन मनाएंगे। पीएम मोदी खुद अपने जन्मदिन के अवसर पर सरदार सरोवर बांध जाएंगे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की छात्राओं का दूसरे दिन भी धरना प्रदर्शन जारी रहा। छात्राओं की मांग है कि जंतु विज्ञान के प्रोफेसर एसके चौबे को तत्काल बर्खास्त किया जाए। मुरादाबाद में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट के प्रशासनिक मुख्य न्यायमूर्ति प्रीतिकर दिवाकर ने न्याय सभागार में राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्घाटन किया। कानपुर देहात में एक कच्चे मकान की छत अचानक भड़भड़ाकर गिर गई। मकान में सो रहे बच्चे और बुजुर्ग मलबे के नीचे दब गए। पुलिस ने मलबे में दबे लोगों को निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया। हाथरस की सादाबाद कोतवाली क्षेत्र में एक युवक की आपसी रंजिश के चलते गोली मारकर हत्या कर दी गई। गोली लगने के बाद अस्पताल ले जाते समय युवक ने दम तोड़ दिया। लखनऊ में अतिक्रमण हटाने के खिलाफ सैकड़ों की संख्या में लोगों ने प्रदर्शन किया और सड़क जाम कर विरोध किया। अतिक्रमण में 66 मकानों को गिराया जाएगा। झांसी में अपने परिवार से बिछड़ चुकी बुजुर्ग महिला को पुलिस ने उसके परिवार से मिला दिया। बुलंदशहर में एक युवक ने अपने पड़ोसी से बाइक मांगी, जिसके बाद पड़ोसी ने बाइक देने से मना किया तो फावड़े से हमला कर दिया गया। मुरादाबाद में एक डीजल टैंक में वेल्डिंग करते समय धमाका हो गया, जिसमें मोइन खान नाम के युवक की मौत हो गई। संत कबीर नगर में अज्ञात बीमारी की चपेट में आने से एक मासूम की मौत हुई है, जबकि गंभीर रूप से बीमार एक दर्जन से ज्यादा बच्चे अस्पताल में भर्ती हैं। उत्तराखंड में लगातार बारिश जारी है। हल्द्वानी शहर पानी पानी हो गया है।
शहर की सड़कें जलमग्न हो गई हैं।